हेलो दोस्तों, मैं बुल रंजन स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल आईटी शॉर्टकट में। फिटर सेकेंड ईयर का ट्रेड थियोरी का जो एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज, आज 3 नंबर पार्ट डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर? इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसका नाम क्या है? ऑप्शन में है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, हैंड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। ये होगा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। दोनों एंड इसका देखिए ऑफसेट मुड़ा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, उसको ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है। क्या ऑफसेट? ऑप्शन ए। व्हाट इज द नेम ऑफ अ लॉकिंग डिवाइस? इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? देखो ये नॉट एंड बोल्ट में यूज किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है? एक एक टाइप का वॉशर होता है, ठीक है? क्या वॉशर? ये स्प्रिंग वॉशर होता है। पहले से ये देखो फैला हुआ है, मगर इसको नॉट और बोल्ट में कस देंगे तो इसका जो दोनों एंड है, ये एंड देखो, ए एंड जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरफ घूमेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये जो साइड होता है उसका, इसी जो साइड दोनों कॉर्नर, ये वाला उसको एंटी क्लॉकवाइज खोलने नहीं देती है, ठीक है? तो क्या स्प्रिंग वॉशर? ऑप्शन डी। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग गिव हेड की? गिव हेड का उपयोग करने का क्या फायदा है? देखो जो गिव हेड की है वो क्या है कि हर सब की प्लेन होता है। गिव हेड की में मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, गिव हेड की का ये है गिव हेड की। गिव हेड की में एक हेड दिया जाता है, इसका हेड है। जब इसको डालेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, जब निकालेंगे तो इस इधर से हैमर से प्रेस करेंगे तो वो आसान से निकल जाएगा। तो इसका फायदा क्या है? कैन बी विड्रॉन इजीली। ऑप्शन बी, आसानी से निकाला जा सकता है। और दूसरा की में वो हेड नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 52 नंबर। व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर? जो नुकीले कोण का फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? बैरेट फाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम है, जो फिगर में आप देख पा रहे हैं ये फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन में है ऑप्शन ए होगी टिंकर्स फाइल। व्हिच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्क पीस टू कन्फर्म द शेप? आकृति का पुष्टि करने के हेतु वर्क पीस को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रोफाइल गेज। व्हाट इज द प्रपोज ऑफ फिलर गेज? फिलर गेज का उद्देश्य क्या है? देखो फिलर गेज जो है वो क्या है, दोनों जो मेटिंग पैड होता है उसका जो गैप मापता है। देखिए ये चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पैड्स, मेटिंग मेल भाग के बीच की गैप जांच करने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? जैसे फिगर में आप देख पा रहे होंगे इस गेज का नाम क्या है? ड्रिल गेज, सेंटर गेज, प्रोफाइल गेज,
स्टैंडर्ड वायर गेज, ये हो गया ऑप्शन डी स्टैंडर्ड वायर गेज। देखो ये जो होल दिया गया है ना, वायर का जो स्टैंडर्ड है वो मापता है इसका अंदर में घुसा के, स्टैंडर्ड वायर गेज। व्हिच गेज इज यूज्ड टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल शाफ्ट, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है प्लग गेज, प्लेन रिंग गेज, टैपर रिंग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्लेन रिंग गेज, क्या ऑप्शन बी प्लेन रिंग गेज? व्हाट इज द एक्ट ऑफ जॉइनिंग स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग ऑफ साइज, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज गेज को एक साथ एक जोड़ को क्या कहते हैं? देखिए स्लिप गेज होता है, जैसे आप एक ईट, ईट जो घर बनाने के लिए ईट का प्रयोग होता है, द एक्ट ऑफ जॉइनिंग स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग ऑफ साइज, इसमें होगी क्या ग्लेजिंग है, पिनिंग है, लोडिंग, वेयरिंग, इसको वेयरिंग बोला जाता है। वार्निंग ऑप्शन डी, व्हाट इज द मटेरियल इज यूज्ड टू मेक मेक साइन बार, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील, क्या स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील? हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड, साइन बार का लंबाई किस निर्दिष्ट की जाती है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर्स, ऑप्शन सी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर। व्हिच वन फॉर्म्स द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल व्हाइल चेकिंग द साइन बार, ऑप्शन सी साइन बार लेंथ, ऑप्शन सी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? देखो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन, तो ऑप्शन ए डेवलपिंग इनएक्यूरेसीज। व्हाट इज कॉज्ड ऑफ लैपिंग इन हार्डर देन वर्कपीस, देखो जो लैप होता है या जो घसने का जो प्रोडक्ट है वो वर्कपीस से हार्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा? वर्कपीस विल कट द लैप, सिक्सटी फोर। व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक स्मॉल डायमीटर लैप, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी कॉपर और ब्रास। व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सतह टेक्सचर मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है? ये जो एग्जाम उपकरण दिया गया है उसका नाम क्या है? यह मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, क्या मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर?
वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रिफर फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन हनिंग ऑपरेशन। हनिंग ऑपरेशन के में बड़े मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद किया जाता है? टू कीप क्लोज टॉलरेंस, ऑप्शन सी। व्हाट इज द प्रपोज ऑफ हार्डनिंग, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? इंक्रीज कटिंग एबिलिटी। व्हिच मेथड ऑफ हीटिंग ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन जॉब? उष्मा उपचार के कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार की सुधार होगा? एनियलिंग, ऑप्शन ए। व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? नॉट सुइटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीसेस। व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटालिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्रॉइंग द लेयर ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल? क्लैडिंग। व्हिच टाइप ऑफ की यूज इन द हब ऑफ पुली हैज टू एक्सियली स्लाइड ऑन द शार्प आर्म डिस्टेंस? यदि हब या पुली का अक्षीय रूप में कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करने का है तो किस प्रकार का कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये क्या फीडर की, ऑप्शन ए। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम क्या है? वार्डिंग फाइल, ऑप्शन बी। व्हिच नॉट प्रोटेक्ट द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज? कौन सा नॉट बोल्ट को, सिरे के चूड़िया को नुकसान होने से बचाता है? कैप नॉट, ये कवर जैसे, सपोज ये हो गया नॉट, नॉट बोल्ट ऐसा। इसका जो बोल्ट होता है ना, इसी आकार का, ये अंदर घुसाएगा कवर करके रखता है, कैप नॉट बोला जाता है। व्हिच ग्रेड ऑफ स्लीप इज यूज फॉर प्रिसिशन टूल रूम एप्लीकेशन? प्रिसिशन टूल रूम ऐप अनुप्रयोग के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का ये उपयोग किया जाता है? ग्रेड वन। व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक? स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ये ऑप्शन सी होगी, हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन। हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले सीरीज में।